Students, in our previous class we have completed self-practice 5E. Now topic for today is multiplying by 10, 100 and 1000. बहुत सिंपल है ये मल्टीप्लीकेशन, बहुत ईजी है. इसमें क्या करना है आपको, सिंपल 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करते समय क्या करना है, जिस भी नंबर को आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 वन जा 6 लिखना है, और इधर जो जितने भी जीरो हैं वो यहाँ लिखना है. ठीक है, तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60. 348 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 348 लिख के उसके आगे एक ज़ीरो. 61 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 लिख के उसके आगे एक ज़ीरो. ठीक, ये यहाँ पर लिखा है, व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 10 यू सिंपली राइट द नंबर एंड पुट अ ज़ीरो. That is you are right a zero after the numeral. कि मतलब अगर हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सिंपली वो नंबर लिखते हैं और उसके आगे एक ज़ीरो लिखते हैं. ठीक है, ऐसे ही अगर हम किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर लिखते हैं और उसके आगे टू ज़ीरोज़ लिखते हैं. 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 4 के आगे टू ज़ीरो. 64 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 64 के आगे 20. ठीक है, एंड थर्ड वन, अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 7 के आगे 30. 9 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 9 के आगे 30. ठीक, तो बहुत सिंपल है. अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर को तो उस नंबर के आगे एक ज़ीरो लगा देंगे. अगर 100 से मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर के आगे 20 लगा देंगे, और 1000 से करना है तो उस नंबर के आगे 30 लगा देंगे. ठीक है, तो इसी पे बेस्ड एक कुछ असेसमेंट है, उसको हम बुक में ही करेंगे. ओके, इसको बुक में ही करेंगे. फर्स्ट वन करके दिखाया हुआ है, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 4 के आगे 10. अब 67 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 67 लिखेंगे और उसके आगे 10. 134 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 134 और उसके आगे 10. ओके, 74 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 74 और उसके आगे 20. 509 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 509 एंड 10. 48 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 48 एंड 20. 80 इंटू 100, 80 एंड 20. 9 इंटू 100, 9 एंड 20. 56 इंटू 100, 56 एंड 100. 8 इंटू 1000, 8 एंड देन 30. 5 इंटू 1000, 5 एंड 30. 6 इंटू 1000, 6 एंड 30. ठीक है, नाउ मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीपल्स ऑफ 10, दैट इज 20, 30, 300 एक्सेट्रा. अभी हमने किया 10, 100 और 1000 से. अब अगर इनके मल्टीपल्स से हमें मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को ध्यान से देखो. 8 इंटू 20, ठीक है, तो 8 इंटू 2 टेंस, इसका मतलब 16 टेंस और इज इक्वल टू 160. क्या करना है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है. 16, ये 220 जो है वो 210 के बराबर है, है ना, तो 8 और 210 को मल्टीप्लाई करना है तो हो गया 16 टेंस. और 16 टेंस को लिखेंगे कैसे, 160. ऐसे ही 15 को 300 से मल्टीप्लाई करना है तो 15 इंटू 300, तो 15 इंटू 3 45 और 100 का 100. अब जब इसको नंबर में लिखेंगे तो 45 हंड्रेड्स के लिए 20. ठीक है, ये क्यों ऐसा किया है, और सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देती हूँ. और सिंपल तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, 8 और 2 से बिना ज़ीरो के जो नंबर है उसको 2 को अभी 0 को हम अभी एक साइड में छोड़ देते हैं. 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और जितने ज़ीरो यहाँ लगे हैं उतने ज़ीरो हम फिर से लगा देंगे. ठीक है, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आंसर में जितने ज़ीरो हैं वो हम लगा देंगे. जैसे 4 को मल्टीप्लाई किया 20 से,
तो 4 2 जा 8 और 1 0 था तो वो 1 0 हमने यहाँ लगा दिया। 7 इंटू 70, 7 7 जा 49 और 1 0 था, 1 0 लगा दिया। 9 इंटू 600, तो 9 6 जा 54 और 2 0 थे तो 2 0 यहाँ लगा दिए। 30 इंटू 300, तो 30 इंटू 300, 3 3 जा 9, ठीक है, और 1 2 3 ज़ीरोस, तो 1 2 3 ज़ीरोस, ठीक है। ये भी उसी के जितना सिंपल है, बस केवल हमें नंबर जीरो के अलावा जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है और टोटल जितने ज़ीरो हैं दोनों साइड्स में उनको एंड में लगा देंगे। जैसे 9 2 जा 18, 18 और फिर इसका ज़ीरो यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम कॉपी में करेंगे, इस वाली एक्सरसाइज को आप लोगों को बुक में करना है, ठीक। तो ये मैंने समझा दिया है, अभी नेक्स्ट हम इनको सेल्फ प्रैक्टिस 5F को नोटबुक में करेंगे, इसका क्वेश्चन 1 और इसका क्वेश्चन 2, ठीक है।